भारत के पूर्वोत्तर में बसा मणिपुर राज्य प्राचीन काल से ही अपनी हस्तकला के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक है ब्लॉक प्रिंटिंग। मणिपुर से मैंने ट्रेनिंग ये लड़की और लड़का यंग जनरेशन से मैंने ट्रेनिंग देना चाहिए, और नेचुरल डाइज और केमिकल डाइज दोनों में ये नौरी से कोई भी नहीं है, और मणिपुर भी कोई भी नहीं है नेचुरल हैंडलॉक प्रिंटिंग में। ब्लॉक प्रिंटिंग मणिपुर का एक पौराणिक हस्तशिल्प है। ये कला इतनी अद्भुत है कि इसके संचालन को बाकायदा एक प्राचीन निर्देशिका सांग पनाबा मासिल में लिखा गया है, जो किसी भी हस्तकला के लिए एक अद्भुत कार्य विभाजन का नमूना है। ब्लॉक इंग्रेविंग बहुत मणिपुर से बहुत कम है, कोई भी नहीं है। लोकेशन दो तीन तो ये मल्टी कलर का ब्लॉक का ठीक ठाक आसान नहीं है, ओनली सिंगल कलर का तो थोड़ा यूज होता है। ये बाहर का ब्लॉक तो बहुत अच्छा है, इसका ट्रेनिंग जरूरी है। सबसे पहले ब्लॉक को तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाए जाते हैं। फिर कपड़े को विशेष प्रकार से मोड़कर उत्कृष्ट डिजाइन के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही खामू जूस में अन्य द्रवों को मिलाकर इसका रंग तैयार किया जाता है। फिर इसे पहले से तैयार ब्लॉक में भर दिया जाता है, जो कि ब्लॉक के निचले हिस्से में बने डिजाइन में भर जाता है, जिससे कपड़े के ऊपर प्रिंट किया जा सके। कपड़े को पूरी तरीके से दोनों सिरों से बांध दिया जाता है, ताकि प्रिंटिंग के समय वो सिकुड़ने न पाए। है ना एक अद्भुत प्राचीन वस्त्र प्रिंटिंग कला, जिसमें प्रत्येक कार्य विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। आज के वैश्विक बाजार और दिनों दिन विकसित होती उत्कृष्ट तकनीकों ने ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे अनेकों प्राचीनतम हस्तकलाओं के सामने एक कड़ी चुनौती प्रस्तुत कर दी है, जिसके कारण इसके अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया है। परंतु सरकार ने इस विधा को लुप्त होने से बचाने एवं इसके पुनर्स्थापन के लिए विशेष प्रयास आरंभ कर दिए हैं। सरकार के इन विशेष प्रयासों के बाद ये उम्मीद है कि ब्लॉक प्रिंटिंग अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर पुनर्स्थापित होगी और मणिपुर की इस प्राचीनतम हस्तकला को एक नया जीवन मिलेगा।